हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हेमराज कुलदीप, असिस्टेंट प्रोफेसर इन श्री चंद्रावल गुप्ता बीएड कॉलेज। वेलकम टू ऑल ऑफ बीएड फर्स्ट ग्रुप। टुडे आई एम गोइंग टू डिलीवर ए लेक्चर ऑन लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। पिछले वीडियो में हमने भाषा का अर्थ एवं परिभाषा के बारे में अध्ययन किया था। आज हम भाषा के भेद एवं विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। आपके मोबाइल की स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट श्रेणी का ये भाषा और समाज। अब है भाषा के प्रकार, यानी भाषा तीन प्रकार की होती है या भाषा के तीन रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। सर्वप्रथम है मौखिक भाषा। यानी मौखिक भाषा का मतलब है कि अपने विचारों को, अपने मन के भावों को बोल कर प्रकट करना। यानी कोई भी बात, एक व्यक्ति अपनी कोई भी बात, मन की बात वो बोल कर सामने वाले व्यक्ति को कहता है और सामने वाला व्यक्ति उस बात को समझकर उसका रिप्लाई करता है या उसका उत्तर देता है, उसी को हम मौखिक भाषा कहते हैं। यानी मौखिक भाषा भाषा का वह रूप है जिसमें एक व्यक्ति बोलकर विचार प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति सुनकर उसे समझता है, वह मौखिक भाषा कहलाती है। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि टेलीफोन में हम बात करते हैं तो सामने वाला सुनता है और उसका रिप्लाई देता है। इसी तरह से दूरदर्शन, भाषण, वार्तालाप, नाटक, रेडियो आदि उपकरणों के माध्यम से आदि के माध्यम से हम अपनी बात को दूसरे तक संप्रेषित करते हैं या दूसरे तक पहुँचाते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा लिखित भाषा। लिखित भाषा यानी अपने विचारों को लिख कर व्यक्त करना। जब हमारी लिखी हुई बात को कोई दूसरा समझता है तो यही हमारी लिखित भाषा कहलाती है। हम परिभाषा के तौर पर देखेंगे कि भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति अपने विचार या मन के भाव लिखकर प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति पढ़कर उसकी बात समझता है, वही लिखित भाषा कहलाती है। यानी एक व्यक्ति अपने मन के भावों को या कोई भी बात को लिखकर दूसरे तक पहुंचाता है और वो उस बात को पढ़कर वो समझता है, वही लिखित भाषा कहलाती है। उदाहरण के तौर देखते हैं तो पत्र लेख, पत्रिका, समाचार पत्र, कहानी, जीविता, अनेक कई माध्यम से हम लिखित भाषा को दूसरे तक प्रसिद्ध करते हैं या लंबे समय तक हम उसको समझ सकते रख सकते हैं। मौखिक भाषा और लिखित भाषा में ये एक अंतर है कि मौखिक भाषा एक अस्थायी भाषा है और लिखित भाषा स्थायी भाषा है। वो कैसे कि वो इस प्रकार कि मौखिक भाषा में लगभग मतलब है कि 90% उसमें बोला ही जाता है, लिखा नहीं जाता। इससे क्या है कि लिखी बोली हुई चीज़ हमेशा ज़्यादा लंबे समय तक याद नहीं रहती, लेकिन लिखी हुई चीज़ हमेशा याद रहती है, इसलिए इसको चिरस्थायी कहा जाता है। कई महापुरुषों ने, कई विद्वानों ने अपने भावों को, अपने विचारों को किताबों में लिखा है और वही मत, वही विचारधाराएं आज तक हम पढ़ते चले आ रहे हैं। यही लिखित भाषा का एक लिखित भाषा की विशेषता कहलाती है। तीसरा है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा का मतलब होता है संकेत की भाषा, जिसमें ना तो मौखिक भाषा होती है ना लिखित भाषा होती है, बल्कि अपने शरीर के माध्यम से या इशारों के माध्यम से या संकेत के माध्यम से भाषा करी जाती है। जैसे अपन देखते हैं कि चौराहे पे एक सिपाही, यातायात का जो सिपाही होता है, वो सिर्फ हाथों के इशारों से गाड़ियों का आवागमन का नियमों का पालन करता है, मतलब गाड़ियों को इधर से उधर भिजवाता है केवल उसके संकेतों से। कई बार एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि हम गाड़ी रुकवानी होती है तो हम हाथ से इशारा करते हैं तो गाड़ी चलाने वाला गाड़ी अपने आप रोक देता है। तो इसको हम संकेत भाषा कहते हैं और ये भाषा अधिकतर एक फौज में ज़्यादा चलती है, वहाँ पर कोड वर्ड भाषा चलती है। ठीक है, अब हम भाषा की विशेषता के बारे में चर्चा करेंगे जो इस प्रकार है। सबसे पहला पॉइंट है भाषा एक सामाजिक वस्तु है। सामाजिक वस्तु का मतलब ये है कि बच्चा समाज में रहकर ही भाषा को सीख पाता है, परिवार में रहकर ही समाज भाषा को सीख पाता है, इसलिए भाषा को एक सामाजिक वस्तु कहा गया है। दूसरा है भाषा एक परंपरागत वस्तु है। परंपरागत वस्तु यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी से तीसरी पीढ़ी भाषा का हस्तांतरित होता रहता है। जो हम भाषा सीखते हैं, हमें सीखी हुई भाषाओं को हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, वही बच्चे सीखी हुई भाषा अगली पीढ़ी हस्तांतरित करते हैं। इसी तरह से भाषा परंपरागत वस्तु यानी एक दूसरे की पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। तीसरा है भाषा अनुकरण से ही सीखी जाती है। भाषा अनुकरण का मतलब जो भाषा हम बच्चों को सिखाते हैं या बच्चा देखकर उसको सीखता है,
बच्चा स्कूल गए बगैर या स्कूल नहीं जाता तो भी माँ बाप छोटे मोटे वाक्य शब्दों को बोल लेता है, क्योंकि भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। चौथा है भाषा परिवर्तनशील है, यानी भाषा का एक परिवर्तनशील रूप है। जैसे आज भाषा जो चल रही है, क्या पता अगले मतलब के नए सत्र में या कई सालों के बाद में उसमें भाषा का परिवर्तन हो जाए। आज से हम प्राचीन साल से देखे हैं कि वैदिक संस्कृति में अपभ्रंश भाषा चलती थी, संस्कृत भाषा चलती थी, लेकिन आज भाषा का रूप कोई और है या अपना जो भाषा का रूप कोई और देखने को मिलता है, यानी भाषा परिवर्तनशील है। फिर पांचवा पॉइंट, भाषा एक अर्जित संपत्ति है न कि पैतृक। भाषा एक अर्जित संपत्ति, अर्जित संपत्ति का मतलब होता है कि ये हमारी कोई मतलब है कि पिताजी की संपत्ति नहीं है, ये तो यानी पिताजी को देता नहीं, ये तो अर्जित की जाती है। एक बालक का समाज में उसका जन्म होता है तो समाज में रहते हुए ही वो भाषाओं को सीखता है। जैसे एक अंग्रेज के घर में अगर बच्चे का जन्म लेता है तो वो अंग्रेजी भाषा सीखता है, एक मारवाड़ी के घर में अगर बच्चा जन्म लेता है तो वो मारवाड़ी सीखता है, यानी वो कई पैतृक या बाप के द्वारा दी हुई की भाषा लेके जन्म नहीं लेता। ठीक है, फिर उसके बाद में भाषा कठिनता से सरलता की ओर अग्रसर होती है। कहने का मतलब है कि स्टार्टिंग में जब भाषा यानी एक बालक के बुद्धि लब्धि या उसके दिमाग में जब भाषाओं शब्द भंडार कम होते हैं तो जब भाषा उसको कठिन लगती है, धीरे धीरे उसके दिमाग में भाषा या शब्द भंडार में वृद्धि होती है तो वो वही भाषा उसको सरल होने लगती है। ठीक है, नेक्स्ट है भाषा में सीमाबद्धता होती है, यानी सीमाबद्ध यानी आपने देखा होगा कि हर राज्य में अलग अलग अपने भाषा के माध्यम से राज्य बने हुए, जैसे गुजरात में गुजराती चलती है, पंजाब में पंजाबी चलती है, साउथ में देखो तो कन्नड़ तमिल मलयालम चलती है। मतलब एक भाषा के माध्यम से हर राज्य में एक सीमा बना रखी है। नेक्स्ट है भाषा संस्कृति या सभ्यता से जुड़ी होती है, यानी भाषा एक संस्कृति या सभ्यता से जुड़ी होती है। भाषा एक मतलब है कि संस्कृति को बांध देती है। जैसे अब भरतपुर की तरफ जाए तो ब्रज, वहाँ पे ब्रज भाषा चलती है और वहाँ ही हम ब्रज नगर भी कहते हैं, यानी कहीं ना कहीं सभ्यता से जुड़ी होती है। भाषा व विचार का अटूट संबंध होता है। कहने का मतलब है कि भाषा या एक व्यक्ति के मन में चाहे कितने भी विचार उठे लेकिन अगर उसका भाषा का ज्ञान ना हो तो वो अपने विचारों को अपने मन की बात को व्यक्त नहीं कर सकता, यानी विचार होना ही जरूरी नहीं, भाषा का ज्ञान भी होना जरूरी होता है। भाषा अभिव्यक्ति का एक विशेषणीय साधन है, यानी किसी भी व्यक्ति को अगर अपनी बात कहनी है, अपने मन की बात कहनी है, अपने मन की बात को बतानी है तो सबसे बड़ा साधन वो भाषा ही है। बिना भाषा के वह अपने मन की बात को नहीं समझा सकता, नहीं बता सकता। इसी तरह से ये भाषा की विशेषताएँ पूरी हुई। निम्न प्रश्नों को हल कीजिए, ये जो प्रश्न दे रखे हैं आप लोगों को हल करने हैं। वीडियो को सुनने के लिए धन्यवाद।